Assalamualaikum. So welcome you guys to another lecture, and the topic that we are going to cover today is the compression cycle. ये थोड़ा सा डीप एक टॉपिक होने जा रहा है. सबसे पहले जो है, अगर हम आ जाते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे, तो ये मोस्ट कॉमन साइकिल है जो कि आपके पास जो है यूज़ होगा. और मैं स्टार्ट करूँगा एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल को लेकर. हमारे पास जो है आपके नॉर्मल हाउस होल्ड में जो नॉर्मल एसी लगा होता है, ठीक है, लेट्स से फर्ज करें कि ये आपके पास जो है वो इंडोर यूनिट है जो आपने अंदर लगाया हुआ है, और आपने कॉपर पाइपिंग के साथ आपने बाहर एक इसका आउटडोर यूनिट होता है, ठीक है. सो हम इससे और यहाँ से लाजिम आता है आप वो एक ही साइड पर इन और आउट एक ही साइड पर होता है. तो बेसिकली आप कह लें कि आपके पास यहाँ रहता है इसके साथ यहाँ कंडेंसेट वाला जो है पाइप होता है, ठीक है, जो कि यहाँ से ड्रेन भी कर रहा होता है ह्यूमिडिटी वगैरह को. अच्छा, होता क्या है, जो पार्ट आप लोगों ने इंडोर लगाया है इसको उसको हम बोलते हैं एवेपोरेटर. और जो यहाँ ये पार्ट है उसमें लाजमी तक कंडेंसर भी आएगा, उसमें कंप्रेसर भी आएगा, एक्सपेंशन बल्ब भी आएगा. वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर. कंप्रेसर एक मेन कंपोनेंट है. कंप्रेसर का क्या काम होता है कि सिंपल आपके पास जो रेफ्रिजरेंट, देखिए, अच्छा, इससे पहले कि हम बात करें, हम एक सिंपल फिनोमेना कवर करते हैं. होता क्या है कि आपके पास जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में आएगा. कंप्रेसर में जब इनलेट होता है तो वो आपके पास लो टेम्परेचर और लो प्रेशर आपके पास जो है वो बेसिकली वेपर होता है, ठीक है. और कंप्रेसर जिसको हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सक्शन लाइन में डिस्चार्ज लाइन. उसके बाद एक कंडेंसर है. आपने अगर एसी की आप आउटसाइड देखें तो आपके पास जो सिंपल फैन ब्लो कर रहा है डैट इज़ द कंडेंसर, ठीक है, जो कि बेसिकली जो उसकी हीट जो उसने टेकअप की उसको गिव अप कर रहा है एनवायरनमेंट में. उसके बाद जो है आपके पास क्या होता है कि कंडेंसर में जो है लाजिम आता है वो जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में. उसके बाद जाता है ये एक्सपेंशन वाल्व में, ठीक है. नॉर्मली जो है इसमें कह लें कि कैपिलरी ट्यूब जिनको कहा जाता था जो यूज़ होती हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो हमारा ट्रेनर है एचवीएसी ट्रेनर, उसमें आपने देखा कि कैपिलरी ट्यूब यूज़ हो रही हैं. उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व भी कहा जाता है जो आज कॉमनली कमर्शियल यूनिट्स में यूज़ हो रहे हैं. थर्मल या थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व भी होते हैं. सो एक्सपेंशन वाल्व क्या करते हैं कि बेसिकली सडन एक्सपेंशन जो है बेसिकली प्रोवाइड करते हैं आपके पास रेफ्रिजरेंट को, जिसकी वजह से वो अपना प्रेशर गिव अप करते हैं. यानी कि कूलिंग बेसिकली आपके पास वहाँ हो रही होती है कंडेंसर में, लाजमत तो उसने स्टेट चेंज कर ली, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बट वो उस टाइम भी आपके पास हाई टेम्परेचर और कह लें कि आपके पास हाई प्रेशर आपके पास वेपर होता है. सो वहाँ कूलिंग इफेक्ट आपके पास आ रहा होता है. उसके बाद जो लाजमत है आपके पास एयर वेपोरेटर है जो कि बेसिकली इनलेट है, जहाँ बेसिकली आपको ठंडी हवा ब्लोअर जो है वहाँ से कॉयल्स के साथ ब्लोअर जो बेसिकली एयर को ब्लो कर रहा होता है वो आपके साथ जो कॉयल होते हैं उनके साथ सराउंडिंग को वो सराउंडिंग में कॉपर कॉयल्स के साथ इन कॉन्टैक्ट में आके फिर आपको आगे जो ग्रिल है वहाँ से हवा आपको मिल रही होती है. सो कंप्रेसर. उसके बाद सक्शन लाइन. सक्शन लाइन बेसिकली वो लाइन है जहाँ से कंप्रेसर का इनलेट हो रहा है. यानी कि बेसिकली जब एवेपोरेटर में आपको उसने रेफ्रिजरेंट में यहाँ ठंडी हवा प्रोवाइड कर दी, ठीक है, एक जरिया बन गया, उसके बाद वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, ठीक है. सो यहाँ स्टेट चेंज करने के बाद एक तो वो लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, यानी कि बेसिकली वेपर होगा, तो और उसके बाद जो है आपके पास लो प्रेशर भी होगा. क्योंकि आगे चल के अभी हम सुपर हीट वगैरह और वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. सो उसमें आप देखेंगे बेसिकली कि हम इसे क्या मुराद कर रहे हैं, ठीक है. सो उसमें बेसिकली आपके पास टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होता है. एनीवेज ओके, अच्छा, यहाँ अब आपके पास सक्शन लाइन आ गई. उसके बाद है डिस्चार्ज लाइन. डिस्चार्ज लाइन वो लाइन यानी कि कंप्रेसर ने कंप्रेशन करके अब लाजमी होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आपके पास क्रिएट कर दिया, तो वो यहाँ आपके पास आ जाएगा. उसके बाद कंडेंसर जिसको मैंने आपको बताया कि आउटसाइड जो लगा होता है. उसके बाद रिसीवर टैंक है, ठीक है. बेसिकली रिसीवर टैंक जो है लार्ज कमर्शियल यूनिट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है. हमारे साथ डोमेस्टिक में भी ये यूज़ होता है कि हमने सिंपल कह लें कि अगर आपके पास थर्मल एक्सपेंशन वाल्व या आपके पास कह लें कि टेम्परेचर जो आपने रूम टेम्परेचर लाइट से सेट किया था 26 डिग्री वो अचीव होता जा रहा है, तो क्या होगा कि ग्रेजुअली जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसकी क्वांटिटी ग्रेजुअली कम होती जाएगी. तो वो रेफ्रिजरेंट लाजमी होता है सर्किट में तो मौजूद है ना कहीं ना कहीं, तो आपको उसको स्टोर कराना है, तो उसके लिए रिसीवर टैंक होता है.
उसके बाद जो है आपके पास लिक्विड लाइन है, ठीक है, वहाँ से लाजमत है लिक्विड लाइन फ्लो करी एक्सपेंशन वेल्व में, जहाँ बेसिकली सडन कूलिंग या सडन एक्सपेंशन होगी। उसके बाद वेपोरेटर जो कि बेसिकली आपके इनसाइड होता है। ओके, सो यहाँ ये बेसिक थीम। बेसिक के बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल मार्टेबल के चलें इस एग्जांपल को देखते हैं, बेसिक जो हमारे पास कॉमन यूज़ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे पास फोर, हमारे पास कह लें कि प्रिंसिपल कंट्रोल वॉल्यूम्स है, फोर स्टेप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले हमारे पास एवेपोरेटर है, ठीक है, जहाँ के बेसिकली आपकी सराउंडिंग से या फिर कह लें जहाँ हमने कूलिंग प्रोवाइड करनी है वहाँ से वो हीट लेगा। उसके बाद कंप्रेसर है, ठीक है, जो कि कंप्रेशन क्रिएट कर रहा होगा। उसके बाद कंडेंसर है, ठीक है, जो कि आउटडोर में बेसिकली एयर रिलीज कर रहा होगा। और आपके पास एक्सपेंशन वाल्व है। उसके बाद जो है हमारे पास ये एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व में आप देखते हैं कि टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखें यार, होता है बेसिकली आइडियल केस में क्या होना चाहिए कि जब एक्सपेंशन वाल्व में आपके पास जो है एक बार जब रेफ्रिजरेंट आपने कूल डाउन कर दिया तो उसको कम्प्लीटली लिक्विड रहना चाहिए। बट होता क्या है कि जब सडन एक्सपेंशन भी हुआ और आपने वो ऑरिफिस जब स्मॉल कर दिया तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा था कि उसकी बाउंड्रीज़ के साथ, जो बेसिकली हमारे प्रॉपर्टीज की बाउंड्री है, उसके साथ ही आपके पास कॉन्टैक्ट कर रहा होता है, या वाइब्रेशन जब आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जब होती है तो वो वहाँ से कुछ पार्ट जो है इसमें वेपराइज हो जाते हैं, या फिर कह लें कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। टू फेज का मतलब यह है कि दो स्टेट्स में ये लाइक कर रहा है, यानी कि लिक्विड भी होगा और कुछ स्मॉल पोर्शन वेपर भी होगा। इसी तरह आप वेपरेटर के बाद देख रहे हो कि सैचुरेटेड और सुपर हीटेड वेपर लिखा हुआ है। तो सैचुरेटेड आपके पास बेसिकली सैचुरेशन लाइन क्या है, चलो उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सैचुरेशन लाइन या सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा हो, ठीक है, जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी कि देखें, जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी कवर किया था कि जब हम वाटर बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि ऐसे नहीं है कि आप टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है 91, 92, 93, 99, 100, तो 100 पे जाके वो फ़ौरन 101 हो जाए, ऐसे नहीं होगा। वो क्या होगा कि 100 पे वो स्टेबल होगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है, यानी कि वहाँ से जो वेपर है वो बेसिकली सॉरी जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके पास वो सुपर हीटेड स्टेट में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 101, 102 डिग्री एंड सो ऑन, इस तरह सुपर हीटेड में वो चलता जाएगा। ओके, सो सुपर हीटेड बेसिकली जो है हमारे पास सुपर हीटेड हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस ऑल जो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं उसमें है, ठीक है, और एनर्जी बैलेंसेज आ रही है अकॉर्डिंगली। बेसिकली अगर उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो उसको फॉलो कर लिया जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद मेन प्रोसेसेस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले 4-1 है, ठीक है, 4-1 बेसिकली टू फेज लिक्विड वेपर मिक्सचर, ठीक है, अभी हमने टू फेज की हमने डिस्कस किया और लिक्विड वेपर मिक्सचर की हमने डिस्कस किया, वो क्यों है, इज एवेपोरेटेड थ्रू हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। बेसिकली होगा क्या कि आपके पास ये ट्यूब्स में पास ऑन कर रहा है, आपके जो एसी या इंडोर होता है उसमें ब्लोअर लगाकर, ब्लोअर क्या करता है उसके अंदर उसके थ्रू क्रॉस में एयर फ्लो कराता है। तो जब क्रॉस में एयर फ्लो होगी तो लगना था एयर उसमें आपके रूम से ही वो सख्त ही होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर ही होता है। तो बेसिकली जब उसे स्ट्राइक करती है एयर तो वो उसकी हीट टेकअप करेगी और इवेंचुअली जो हमारे पास जो एवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट है वो हमारे पास अपनी स्पीड चेंज कर लेगा और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये फेज हमारे पास जो है 4-1 में शो हो रहा है। उसके बाद जो है हमारे पास प्रोसेस ये 1-2 है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो यहाँ नंबरिंग हो रही है ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यही नंबरिंग हो, कि जी लग से मैं कंप्रेसर और कंप्रेसर का जो इनपुट आउटपुट है उस या इनलेट और आउटलेट है उसको मैं 1 और 2 कहूँ, ज़रूरी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग चेंज हो सकती है। सो कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना नंबरिंग के हवाले से, ठीक है, कोई भी ऑथर हो या कोई भी बंदा वो अपनी ईज के मुताबिक इसको लेके चलेगा, ठीक है। ज़्यादातर कुछ लोग इसलिए प्रेफर करते हैं या स्टार्ट 1 इसलिए करेगा कंप्रेसर से कि कंप्रेसर एक की कंपोनेंट है, उसको पहले डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ जो है आपके पास एवेपोरेटर से स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि जो एवेपोरेटर का प्रोसेस जो 4-1 लिखा हुआ हो सकता है, कुछ बुक में आपके पास 1-2 है, जिस तरह हमारे पास जो हम आपकी रेफरेंस बुक है, ठीक है, आर के राजपूत की, उसके अंदर उसने उसको 1-2 दिया।
ओके उसके बाद जो है हमारे पास ये प्रोसेस इस डायग्राम के मुताबिक 1 to 2 बेसिकली हमारे पास पेपर रेफ्रिजरेंट को जो है कंप्रेस करना है, जिसको जो है हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम इसे कर देते हैं, ठीक है, रिक्वायरिंग वर्क इनपुट। ठीक है, लाजम आता है आपने जब कंप्रेस करना है तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंज्यूम होगी, सो वर्क डन आपके पास यहाँ आ रहा होगा। उसके बाद प्रोसेस 2 to 3 है, वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर्स टू लिक्विड थ्रू हीट ट्रांसफर टू द कूलर सराउंडिंग्स। ठीक है, आपके पास क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्योंकि प्रेशर आपके पास जो है वो हाई होता है कंप्रेसर का, तो यहाँ आपके पास क्या होगा कि जो अपनी हीट गिवअप करेगा, ठीक है, कंडेंसर जो जब आपको हीट सराउंडिंग में गिवअप होगी और आपके पास हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 3 to 4 है एक्सपेंशन वेल्व का। ठीक है, एक्सपेंशन वेल्व क्या है, बेसिकली यहाँ पे के पास एक स्मॉल ऑरिफिस है जिसे आपने वो तमाम जो लिक्विड जो आपके पास कंडेंसर साइड से फ्लो रखा आपने वहाँ से पास ऑन कराना। तो जब आपकी ऑरिफिस को स्मॉल होगी और स्मॉल ओपनिंग देंगे और आपके पास जो प्रेशर जो लिक्विड आ रहा है वो हाई प्रेशर लिक्विड है, तो लाजमत वो अपनी वहाँ हीट गिवअप कर देगा। हीट गिवअप करेगा, हीट गिवअप इस वजह से करेगा क्योंकि वो हाई प्रेशर होने की वजह से कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक कर रहा होगा सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग में वो स्ट्राइक कर रहा है तो अपनी एनर्जी गिवअप कर रहा है, तो वो इवेंचुअली दोबारा वो जो है अपनी स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट कैन नेवर बी नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो बेसिकली उसने अपनी हीट में फॉर्म चेंज करनी है। ठीक है, सो इस वजह से वो चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है जो कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, हमारे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए हम जो है ये बात करते हैं कि ये वो स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब ये कि वो अपने इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है। ठीक है, ड्राई कंप्रेशन हम प्रिज्यूम करें, ठीक है, हम ये कहते हैं कि जी वेपर रेफ्रिजरेंट जो है हमारे पास 100% वेपर है, एक्चुअली ऐसा नहीं भी होता और उसकी वजह भी है। ठीक है, अगर आपके पास कंप्रेसर जो है उसमें लिक्विड चला जाएगा तो उससे आपका कंप्रेसर जो है वो डैमेज हो सकता है, वो डैमेज होगा तो यानी कि पूरा प्रोसेस आपके पास हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि आइडियली जो लिक्विड है आपके पास वो बेसिकली इनकम्प्रेसिबल ये फ्लूड है। ठीक है, सो लिक्विड जो इस है इस यानी कि जो जो लेवल आपके जो कंप्रेशन रेशियो आपको चाहिए आउटपुट तो वो अटेन नहीं हो सकती सिंपल। और अगर ये नहीं भी होगा तो हो सकता है कि आपकी लाइन वगैरह जो आपकी कॉपर लाइन चली है वो भी चोक हो जाए। उसके बाद जी द कंप्रेसर ऑपरेट्स एडियाबैटिकली। ठीक है, यानी कि बेसिकली आइसो आपके पास एडियाबैटिक होगा, आइसोट्रॉपिक्स हम सॉर्ट ऑफ जो है बेसिकली इसको कहते हैं, बट नॉर्मली आपके पास आइसोट्रॉपिक होगा नहीं, आगे चल के अगले लेक्चर में हम देखेंगे भी। अच्छा, उसके बाद जो है द रेफ्रिजरेंट एक्सपेंडिंग थ्रू द वेल्व अंडर गोज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अभी एक्सपेंशन वेल्व की हमने डिस्कशन की, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर इग्नोर्ड, ये कुछ हम अजम्पशंस कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाइंग अगर हम एवेपोरेटर की बात करें तो अगर आपने जो है वहाँ फ्लो रेट वगैरह आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, या हीट का फ्लो रेट कितना है, तो वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं H1 - H4/mdot या फिर (mdot) सॉरी बेसिकली H1 और H4 जो है वो एंथैल्पीज हैं, किलो जॉल पर केजी के यूनिट्स होते हैं। मैस जो है आपके पास (mdot) बेसिकली किलोग्राम पर सेकंड है, और (q.in) इन जो है वो आपके पास हीट फ्लो रेट इन या फिर जो पास ऑन हो रहा है आपके पास वो भी उसके यूनिट जो है वो किलो जॉल पर सेकंड में होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद (qin) जो है वो बेसिकली वो रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है रेफ्रिजरेटर के अगेंस्ट, यानी कि अगर हमने बात करनी है, अगर हम कहते हैं कि जी 1 टन है या 2 टन का ए सी एल एस है, तो बेसिकली वो कैपेसिटी की हम बात करें जो कि आपके पास एवेपोरेटर से पास ऑन होकर वो कूलिंग इफेक्ट जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसी तरह नॉर्मली हमारे पास टन का है, डैट इज इक्वल टू 211 किलो जॉल पर मिनट से 214 कुछ कर देते हैं या 200 BTU पर मिनट। उसके बाद जो है आपके पास कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर जो है उसके लिए कुछ ये फार्मूला था, ठीक है, जो आपके पास लिखा हुआ वर्क डन लाजमी बात है उसमें आएगा। कंडेंसर के अंदर क्यू आउट है, ठीक है, हमने हीट कितनी गिवअप की है। उसके बाद जो एक्सपेंशन वेल्व है, ठीक है, उसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और जिसमें एक चीज़ कंसिडर यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आया होगा कि H4 = H3, इसको इस डायग्राम के मुताबिक हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो H4 = H3 का क्या मतलब है कि आपके पास जो 4 में है आपके पास एक्सपेंशन वेल्व से जब वो पास ऑन हो गया तो उसकी जो एंथैल्पी है
वो चेंज नहीं होने। मैंने आपको बताया था कि यहाँ फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक चैप्टर फर्स्ट लॉ, ठीक है, हीट जो है वो अपनी लॉस नहीं होगी, वो अपनी स्टेट चेंज कर रही होगी, ठीक है। अपनी स्टेट चेंज कर रही है तो क्या होगा कि वो उसको यूटिलाइज करेगा कि एलाइजमेटर से जो ओवरऑल हीट कॉन्टेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें एंथैल्पी वगैरह वो इसमें कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, आपके पास अगर एक्सपेंशन बेल में, इस वजह से यहाँ एच फोर इज इक्वल टू एच थ्री लिखा हुआ। या फिर अगर हम जब इसकी टी एस डायग्राम बनाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से टी एस डायग्राम इसकी बना देता हूँ तो कुछ इस तरह से इसकी टी एस डायग्राम बनेगी, ठीक है। अगर ये सेचुरेशन लाइन है, ठीक है, ये आपके पास एवेपोरेटर है, ठीक है, ये आपके पास जो है, ठीक है, यहाँ करके आपके पास वो आता है कंप्रेसर, उसके बाद यहाँ आपके पास होता है ये कंडेंसर, ठीक है, और आपके पास ये होता है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, अगर आप देखो तो ये जो लाइन चल रही है, दिस लाइन, ये लाइन बेसिकली आपके पास लिक्विड लाइन होती है और ये लाइन आपके पास गैसियस लाइन होती है। यानी कि अगर आपके पास ये जो लाइन है टी एस डायग्राम में, अगर हमारे पास ये इसके अंदर लाइक कर रही है, इस डोम के अंदर, इसका मतलब सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का क्या मतलब है कि सॉरी नॉट नॉट सैचुरेटेड, बेसिकली वो मिक्सचर है, यानी कि टू फेज में होगा, लिक्विड भी होगा गैस भी होगा। ये लिक्विड लाइन है, ठीक है, यहाँ ये सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है, यानी कि लिक्विड टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ 100% लिक्विड होगा, और ये आपके पास सैचुरेशन लाइन है, यानी कि यहाँ इसके बाहर या इस पॉइंट पे 100% गैस होगा। अगर हम वाटर की बात करें, सो वाटर जब यहाँ इस लाइन पे यहाँ पहुँचेगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया, सो तब लेट से वो अगर 100 डिग्री है, सो यहाँ करके वो बॉयल होगा। अगर वो यहाँ भी है तो यहाँ भी वो बॉयल नहीं हो रहा होगा। सो इस तरह से, ओके, एनीवेज आगे चलते हैं हम। उसके बाद इस सारे को कवर करने के बाद, इसको अगर हमने मेजर करना, उसको हम सी ओ पी कहते हैं, कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, जो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय द वर्क डन। इसी तरह अगर कारनोट के आपको रेफ्रिजरेंट कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस याद हो, वो कुछ उससे ये रिलेशन था। बेसिकली कारनोट इंजन जो है, ये कारनोट साइकिल है, उसका बेसिक थीम ये है कि अगर एक आइडियल वर्ल्ड में एक आइडियल केस सिनेरियो हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या आप जो है एफिशिएंसी अटेन कर सकते हो फ्रॉम अ सिस्टम, ठीक है, यानी कि दुनिया में और कोई भी लॉसेस ना होते। सिंपल, आप एक कोल्ड रिजर्वायर होता है, एक हॉट रिजर्वायर होता, कोई लॉसेस नहीं है, फिर क्या आप क्या 100% क्या अटेन कर सकते थे आइडियली ना, इन आइडियल सिचुएशन, या फिर एक कह लेते इम्पॉसिबल। और सी ओ पी जो है वो आपके पास जो सिस्टम आपने लगाए, बेसिकली इसकी रियल टाइम में ये एफिशिएंसी होती है। ओके जी, बिल्कुल वही जो है हमने यह मैक्सिमम थ्योरेटिकल कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सिस्टम में डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों की बुक में से है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये कुछ केसेस हैं जो हम टी एस डायग्राम पे देखेंगे, इसमें आप देखो जी, वन वेपर इज ड्राई एंड सैचुरेटेड एट एंड ऑफ कंप्रेशन, यानी कि बेसिकली हमारे पास कंप्रेशन के एंड के बाद जब कंप्रेशन एंड होगी, तो वो बेसिकली हमारे पास जो लिक्विड है वो लाइक कर रहा होगा 100% वेपर पे, यानी कि बेसिकली सैचुरेशन लाइन पे जो हमारे पास है वहाँ लाइक कर रहा होगा। अगर आप देखो हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, आपके पास ये 1, 2, 2 देखो, यहाँ इसने नंबरिंग भी चेंज किया, सो ये आपकी बुक में आप इसको फॉलो कर लो। 1, 2, 2 ये है एवेपोरेशन, यानी कि वो प्रोसेस जहाँ हमने सराउंडिंग से रेफ्रिजरेंट में हीट ली। उसके बाद ये कंप्रेशन स्टेट में गए, कंप्रेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ आइडियली नहीं होने चाहिए थे 100% वेपर होना चाहिए, बट यहाँ वेपर नहीं भी होता। अब यहाँ से देख रहे हो कि आपके पास ये कंप्रेशन में गया और ये कंप्रेशन 100% यहाँ आपके पास सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद कंडेंसेशन है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखो, आइडियली होने के चाहिए कि H4 जो है, अगर आप देखो तो ये फ्लूइड लाइन पे है, ठीक है, बट आपके पास जो H4 है वो, उसको आइडियली हमारे पास जो एवेपोरेटर है उसको यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। अब वो यहाँ नहीं होता इस पॉइंट पे, बल्कि वो आपको यहाँ मिलता है। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने आपको बताया कि दरमियान में जो टू फेज की भी हमने डिस्कशन की, मैंने बताया कि जी के कंटिन्यूसली, क्योंकि ऑरिफिस कम है, उसकी वजह से स्ट्राइक करके कुछ हद तक जो आपके पास वेपर है वो
चेंज स्टेट कर लेता है। सो जिसकी वजह से आपको यहाँ टू फेज लिक्विड आपको मिलता है। सो जो ये वाला डोम है, ठीक है, जो रेड से हमने डिफाइन किया हुआ, ये बेसिकली वर्क डन बाय कंप्रेसर है, और ये जो ग्रीन में है ये बेसिकली जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो आपके पास है। अगर हमने इसका COP फाइंड आउट करना है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ओवर वर्क डन, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होगा हमारे पास यहाँ से 2, ठीक है, उसके बाद ये 1 या फिर 1 2, ये F और आपके पास ये G, ठीक है, और दोबारा आपके पास जो है चलने के दोबारा 2 पे आ जाएंगे। सो बेसिकली ये रेक्टेंगल है। जबकि अगर हम वर्क डन की बात करें, सो अब देखो ये 2 3, उसके बाद ये 4, ठीक है, 4 के बाद जो है ये B के बाद दोबारा 2। सो ये बेसिक आपके पास कंप्लीट डोम बनता है। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक चीज़ देखो कि यहाँ अगर आप नोट करो तो ये H1 की जगह HF4 लिखा हुआ है। बेसिकली इसका थीम ये है कि क्योंकि हमने बात की एक्सपेंशन वैल में और हीट कॉन्टेंट में ही चेंज हो रहा है, सो यहाँ जो H4 होगा, ठीक है, H4 जो है अगर आप देख रहे हो तो 100% लिक्विड है, यानी कि हम इसे H4F लिख सकते हैं। इसको आप लोग रेफर करोगे यार, आप लोग कवर करके आए हो स्टीम टेबल्स को, ठीक है। सो स्टीम टेबल्स को दोबारा जहन में रखो, और वहाँ दो चीज़ें होती थी आपके पास, एक आपके पास जो है वेपर होता था और एक आपके पास होता था लिक्विड, ठीक है। सो H4F का मतलब है कि वो 100%, वो बेसिकली यहाँ 100% लिक्विड है, ठीक। सो होता क्या है कि यार चलो यहाँ स्टेट तो चेंज हुआ, बट ओवरऑल जो हीट कॉन्टेंट है वो यहाँ चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास ये जो इंटरनल हीट कॉन्टेंट है वो सेम रहेंगे। सो इस वजह से हम कहते हैं कि इस केस में कि H1 = HF4, मैं इसको यहाँ लिख के देता हूँ, तो H1 = HF4, ओके। उसके बाद जो है अगर हमारे पास यहाँ वेपर हमारे पास सुपर हीटेड हो कंप्रेशन में, ठीक है। सो बेसिकली आप यूँ समझो कि होता क्या है कि अगर हम एक एयर कंडीशनिंग के प्रोसेस की बात करें, तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेशन में आपके पास हीट गिव टेकअप कर रहा है, या फिर कंडेंसेशन में वो हीट टेकअप जो है बेसिकली जितनी भी वो हीटअप होगा उतने ही वो हीट रिलीज कर रहा होगा कंडेंसेशन में, ठीक है। सो यानी कि बेसिकली आप कह लो कि अगर आपने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ाना हो तो आपको वो टेम्परेचर है वो डेल्टा आपको इंक्रीज़ करना है। डेल्टा इंक्रीज कर लेंगे आपके पास कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो उसका एक हल ये भी होता है या कुछ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम यहाँ सुपर हीटेड वेपर तक हम ले जाएँ, यानी कि बेसिकली वो इतनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर ले कि वो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाए, यानी कि अगर ये सेचुरेशन लाइन है तो उसमें भी देख रहे हो कि इसको क्रॉस करके वो 3 पर चला गया। सो बिल्कुल उसी तरह ये रेड जो है ये आपके पास वर्क डन है, ग्रीन जो है वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, और यहाँ देखियो कि आपके पास ये जो H3 था, ठीक है, ये बेसिकली कि अगर H3- तक तो आपके पास स्टीम टेबल में आ जाओ, और यहाँ से जो यहाँ तक ये जो टेम्परेचर चेंज ये चेंज हो रहा है, ठीक है, आप देखियो कि यहाँ आपके पास दिस लाइन, ठीक है, यहाँ अब ये जो अगर आपने मेजर करना होगा सो डैट वुड बी CP delta, ठीक है, CP T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेटेड, यानी कि एक वो टेम्परेचर होगा जो कि यहाँ सेचुरेशन लाइन पे है, ठीक है, लेट से ये आइडियली यहाँ होना चाहिए था ये, और एक टेम्परेचर आपके पास यहाँ आइडियली अचीव हो गया, यानी कि बेसिकली आप यूँ समझो कि आपके पास एक फिक्स प्रेशर था, ठीक है, और एक फिक्स प्रेशर के ऊपर मैं कहता हूँ कि जी वाटर जो है लेट से वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना था, ठीक है, बट आपने उसी प्रेशर पे, ठीक है, या फिर आपने क्या किया कि आप उसको ले गए हो लेट से 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपने कितने डिग्री की सुपर हीट की, 10 डिग्री की सुपर हीट है। सो जब आपने कंटेंट फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी हीट टेकअप की है, तो बेसिकली डैट वुड बी इक्वल टू CP delta T, ठीक है, ये CP थी, और H3 जो है वो बेसिकली ओवरऑल के लिए है, तो उसमें लाजमी बात है ये यहाँ से अगर ये प्रोसेस चल रहा है, सो ये हीट और ये वाला हीट, ये वाला पार्ट जो ये तो उसने हीट टेकअप करनी है, उसके बाद जो है जो सेचुरेशन लाइन से बाहर वाला पार्ट है वो CP T वाले फॉर्मूले से हाथा आएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक और केस है जी, व्हेन वेपर इज वेट आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि आपने जो कंप्रेसर है उसने 100% उसको जो है वेपराइज नहीं किया,
बल्कि इसमें कुछ पार्ट अभी लिक्विड का भी मौजूद है। तो उस केस में बिल्कुल उसी तरह ये रिलेशन हमारे पास यूटिलाइज हो रहा होगा, ठीक है। कूलिंग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, और उसके बाद जो है वर्क डन है, ठीक है। ये हमारे पास पीएच चार्ट है, प्रेशर एंथैल्पी लाइन अगर आप देखो तो यहाँ आपके पास एंथैल्पी है, ठीक है, इंटरनल हीट हीट कॉन्टेंट है, यहाँ आपके पास प्रेशर है। सो आप देखते हो कि आपके पास यहाँ जो ये लाइन है कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, टेम्परेचर लाइन है, यूँ लाइन होंगी। तो ये आपके पास ये ड्राई सैचुरेटेड लाइन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, एंट्रोपी वगैरह एंड सो ऑन, इस तरह डिफरेंट लाइन है। अच्छा, एक चीज़ चलो मैं यार आप लोगों से चलें डिस्कस कर लेता हूँ। हम दोबारा इस इमेज पे आ जाते हैं जो कि हमने यहाँ कवर किया है, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन ये रोज होता है कि हमने जब एक्सपेंशन वैल्व की बात की, मैंने आपको कहा कि जी जो आपके पास एंथैल्पी यहाँ होगी वैसे आपके पास एंथैल्पी होगी यहाँ, तो बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपके पास कंप्रेसर भी है, ठीक है। तो कंप्रेसर में आपके पास एच वन भी है और एच टू भी है, और अगर आपने नोट किया हो तो हमारे पास ये जो वर्क डन बाय कंप्रेसर था वह हमने लिखा एच टू माइनस एच वन। तो ऐसा क्यों है, यानी कि यहाँ अब एंथैल्पी चेंज क्यों आ रही है? तो इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो एक तो ये है कि बेसिकली आइसो जो हमारे पास जो एडियाबैटिक और बेसिकली आइसोट्रॉपिक है, आइसो एंथैल्पिक नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जब हम कंप्रेसर में काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास देखें हीट चेंज नहीं होनी चाहिए, बट हो क्या रहा है कि आप कंप्रेशन कर रहे हैं, आपने लिक्विड को भी आपने बेसिकली वेपराइज किया, बट साथ ही जो कंप्रेसर भी लाजमी बात है हीटअप हो रहा है, तो रेफ्रिजरेंट उसकी हीट भी साथ टेकअप कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आप मैकेनिकली वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप ज्यूम करो कि लाजमी बात है यार कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, कि कंप्रेसर भी लाजमी तो कंप्रेशन कर रहा है, उसको भी तो आपने कूल डाउन करना है, तो वो भी कैसे होगा? तो वो भी बेसिकली जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है वो उसकी हीट भी साथ टेकअप करके जा रहा होता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ आपको एच टू माइनस एच वन नज़र आ रहा है, जबकि अगर यही मैं एक्सपेंशन वैल्व में देख रहा हूँ तो आपको कोई फार्मूला नहीं लिखा रहा दिखाई दे रहा, ठीक है। सो यहाँ आपको सिंपली फार्मूला लिखाई दिया कि एच फोर इक्वल टू एच थ्री, बेसिकली वो दोनों सेम है, ओके। सो यहाँ भी अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ये एच फोर और ये थ्री जो है, ये सॉरी अब यहाँ देख रहे हो ऑथर भी चेंज है, ठीक है। सो बेसिकली यानी कि जो एक्सपेंशन वैल्व वाला प्रोसेस है इसमें एंथैल्पी सेम रहेगी, ठीक है। ये देखो ये लाइन हमने यहाँ लिखी हुई थी, जबकि यहाँ एच टू और थ्री ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। और जहाँ भी देख रहे हो आपको लैदा लैदा नज़र आ रहे हैं ये, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, और उसके बाद जो है हमारे पास जो सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल अगर हमने पी एच डायग्राम पर बनाना, ठीक है, वो टी एच डायग्राम से जो भी हमने पहले बनाई ये हमारे पास जो है पी एच डायग्राम है। सो अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है, जो कि बेसिकली आप देखते हो कंडेंसेशन के बाद वो वहाँ आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये थ्रॉटलिंग का प्रोसेस है, या फिर आपका एक्सपेंशन वैल्व है, उसके बाद इवेपोरेशन है, जो कि बेसिकली आइडियली उसको यहाँ सैचुरेटेड वेपर 100% बनाना चाहिए, और उसके बाद कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेशन वर्क है, जो कि बेसिकली उसको इस केस में यहाँ देखते हो कि सुपर हीटेड स्टेट तक लेके जा रहा है। अच्छा, अब हम कुछ इफेक्ट बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर, ठीक है। अगर हम सक्शन प्रेशर कम कर देते हैं, अगर आपको याद होगा हमने ड्रॉ शू में एक लाइन पढ़ी थी, अगर ये मेरे पास कंप्रेसर है और अगर यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली दिस वुड बी सक्शन लाइन, ठीक है। और इसी तरह अगर ये आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, सो दिस वुड बी योर डिस्चार्ज लाइन, तो अब हो क्या रहा है कि अगर इन केस अगर हम सक्शन प्रेशर कम कर देते हैं, सक्शन प्रेशर कम करने से क्या होगा कि लाजमी बात है अगर आपके पास वेपोरेटर का प्रेशर वही है तो ये प्रेशर जो आपके पास थोड़ा सा कहने के हम इसे यहाँ नीचे लगे, यानी कि टू से कहेंगे टू डैश पे आ गया, ठीक है। अब देखो इसे हुआ क्या, अगर आप नोट करो तो पहले अगर वर्क डन था आपके पास ये लाइन, यानी कि जो मैं ये रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा बन गया इसलिए, बट अब जो है इसमें देख लो कि आपके पास ये जो पार्ट में हाईलाइट करने जा रहा हूँ, आपके पास ये वाला पार्ट भी वर्क डन बाय रेफ्रिजरेंट में ऐड अप हो जाएगा। जब ये रेफ्रिजरेंट वर्क डन में ऐड होगा, यानी कि बेसिकली वो यहाँ ऐड हो रहा होगा, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास इवेंचुअली सीओपी में चेंज आ रहा होगा। सो उसके लिए अगर हमने फार्मूला यूज़ करना है तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, डिक्रीज इन सक्शन प्रेशर इज़ नेसेसरी फॉर लोअर एवेपोरेटर टेम्परेचर। ठीक है, अगर लागू होता है आपको इवेंचुअली अगर आपको टेम्परेचर रिड्यूस करना है आपकी कुछ एप्लीकेशन ऐसी, तो वहाँ आपको सक्शन प्रेशर कम करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, डिस्चार्ज प्रेशर अगर आप हाई कर दें तो ठीक है, तो उसमें जो है फिर आपके पास कहने को ये रिलेशन होगा, और हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर के लिए आपके पास हाई डिस्चार्ज प्रेशर होना ज़रूरी है। हाई डिस्चार्ज प्रेशर होगा लाजिम आता है, वो अगर इस लेवल पे जाके वो बेसिकली एनर्जी अगर वो गिव अप कर रहा है तो वो उतने ही डाउन जाके वो एनर्जी टेकअप भी कर रहा होगा। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं ना, अगर मैं कमर्शियल लेवल के बीच में की बात करता हूँ, तो जब हम यूनिट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम कंडेंसेशन प्रेशर को बड़ी अहमियत दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है या पहले जो यूनिट होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है, तो उसके लिए भी हमें फिर कंडेंसेशन प्रेशर का हमें एयर टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है। लाजिम बात है हमने सराउंडिंग में हीट गिवअप करनी है। अगर वो सराउंडिंग का ही टेम्परेचर जो है वो कह लें कि हमारे पास जो है अगर कंडेंसेशन या कंडेंसिंग टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो हम सराउंडिंग में हीट कैसे गिवअप करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि देखें हीट जो है वो आपके पास वो हॉट टू कोल्ड टूअर्ड रीजन की तरफ जो है बेसिकली आपने उसे फ्लो कराना है। एनीवे, उसके बाद इफेक्ट ऑफ सुपर हीट है। एक और कॉन्सेप्ट होता था कि जी हम जो है सुपर हीटेड वेपर बना लें, यानी कि बेसिकली आप देख रहे हो कि यानी कि यहाँ तक लेके जाने के लिए हम इसे आगे तक ले जाएँ। सुपर हीट में क्या होगा कि देखो जब कंप्रेशन में ना उसने यहाँ एक्स्ट्रा हीट टेकअप की, जब उसने एक्स्ट्रा हीट टेकअप की ना तो आपके पास लागूंगा तो उसके पास ये जो रूम है उसने यहाँ कंडेंसेशन में वो गिव अप करनी है। अच्छा, क्वेश्चन ये रह जाता है कि भाई कंडेंसेशन में उसने क्यों गिव अप करनी है। देखें, उसने हीट टेकअप की है, ठीक है, जब तक वो हीट जो है वो गिव अप नहीं करेगा वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, और कंडेंसेशन में क्या होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता बल्कि स्टेट चेंज होती है, तो लाजमी बात है वो अपनी हीट गिव अप कर रही है। यानी फिर आप कह लो कि अगर हम हाइपोथेटिकल केस लें कि जी वाटर ने 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ और वो 105 डिग्री तक गया, अब आपने अगर इसे दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कराना है तो यहाँ टू प्रोसेस होंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि वो 105 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस में वो आपके पास वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो टू वेप या टू प्रोसेस हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमने सुपर हीट उसे कर दिया तो होना क्या चाहिए हाइपोथेटिकली कि उसको ज़्यादा हीट जो है वो आके गिव अप करनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हीट गिव अप करेगा तो बेसिकली यानी कि इवेंचुअली हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज होना चाहिए, बट इसका नुकसान क्या होता है कि इसकी वजह से अगर आप देखो तो ये जो मैंने लाइन ये बाद में इसकी वजह से ये वर्क डन भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास लो सी ओ पी की वैल्यू आ रही होती है। इसी तरह एक और जो चीज़ है, अच्छा सुपर हीट होता है अगर हम ये जो हमारे पास ये जो वेपर लाइन है अगर हम इसे इस साइड पर चले जाएँ, इसी तरह अगर हम ये कंडेंसेशन ये जो लिक्विड लाइन है अगर हम इसे इससे इस साइड पर चले जाएँ तो उसको बोलते हैं सब कूलिंग। ठीक है, सब कूलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर फॉर अ गिवन प्रेशर। यानी कि बेसिकली आप यूँ फर्ज करो कि हमारे पास जो वाटर जो लिक्विड था वो तो आपके पास कन्वर्ट होता है, लेट्स से मैं कहता हूँ या फिर लेट्स आप क्यों समझो कि हमारे पास आइस बनती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आप मगर उसको प्रेशर वेरी करते हुए आप जो है ना वाटर को मज़ीद -3 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन कर रहे हो, तो बेसिकली आप उसको सेचुरेशन लाइन से बिलो ले गए हो। तो उससे क्या होना चाहिए, लगन का अगर हमने सेचुरेशन लाइन से बिलो ले गए सो भी हमारी ये होती है कि हम जो है कूलिंग के इफेक्ट इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, तो लगन बात ये, अब देखो आपके पास ये जहाँ जब यहाँ गिवन है ना, ठीक है, तो अब अगर यहाँ आपके पास क्या है लिक्विड है। ठीक है, अभी जो मैंने पीछे बात की कि जो उसे स्टेट चेंज करना था वो टू प्रोसेस हैं, अगर उसको जहन में रखो और लेट से -3 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड है, लेट से जो स्टेज फोर पे है तो स्टेज वन पे आएगा। ठीक है, तो लाजिम बात है वो पहले कन्वर्ट होगा 0 to -3 to 0, यानी कि वो पहले हीट इस स्टेप में टेकअप करेगा, फिर उसके बाद वो फिर 0 से दोबारा चेंज करेगा। तो इससे क्या हुआ कि टू वे प्रोसेस हो गया बेसिकली, यानी कि ज़्यादा हीट जो है हम
टेक अप या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम इंक्रीज कर सकें। सो सब कूलिंग कैन बी अचीव बाई इंसर्टिंग अ स्पेशल कॉइल बिटवीन कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व और बाई यूजिंग कूलर टावर इन कंडेंसर और सर्कुलेटिंग ग्रेटर क्वान्टिटी ऑफ वाटर। बेसिकली अगर हम और कोई कूलिंग मीडियम लिया है तो उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेक्शन टेम्परेचर या फिर कंडेंसर टेम्परेचर है, ठीक है, अगर हम उसके इफेक्ट की बात करें तो कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव एज द वेपराइजिंग टेम्परेचर इंक्रीज एंड कंडेंसिंग टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, सो ये इफेक्ट हमने नोट किया कि अगर हम जो वेपराइजेशन टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दें, यानी कि एवेपोरेशन जो बेसिकली आपके पास टेम्परेचर लेके जा रही, क्योंकि याद होगा जो कंप्रेसर की इनलेट है वो सक्शन लाइन कहलाती है, जिसकी वजह से इसको हमने यहाँ सक्शन टेम्परेचर कहा हुआ है। और कंडेंसर टेम्परेचर वो है बेसिकली कंडेंसर में जो है वो बेसिकली किस पे एंटर हो रहा है। सो अगर हम इसको हम इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, और अगर हम ये जो टेम्परेचर है इसको हम डिक्रीज़ कर दें, तो आपके पास यहाँ कैपेसिटी और परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है। अगर अब हम आ जाते हैं ज़रा रियल लाइफ किस्म के वेपर कंप्रेशन साइकिल पे, ठीक है। नॉर्मली जो हीट ट्रांसफ़र होता है बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड कोल्ड एंड वार्म रीजन, ये रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। जिस हम स्टडी स्टेट की बात की थी कि आइडियली हो गया ये रहा है कि अगर जी आपने लेट से जो है एवेपोरेटर में आपने लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया तो अब वहाँ वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सके, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है जी। द रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर इन द एवेपोरेटर इज लेस देन TC, ठीक है। तो हमारे पास लाजिम बात है जो आपके पास ये टेम्परेचर है, ठीक है, थ्रेशोल्ड के टेम्परेचर कोल्ड रीजन है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट करो कि वो टेम्परेचर है जो हमने इसकी मेंटेन कराना है रूम में, ठीक है, तो वहाँ से जो है बेसिकली ये कम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है बेसिकली होगा क्या के और इसी तरह जो है रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर इन कंडेंसर इज ग्रेटर देन TH। TH आप समझो कि ये हमारे पास जो है ये सराउंडिंग है, ठीक है, सराउंडिंग है, या फिर मैं इसे कह देता हूँ आउटडोर है, आउटडोर टेम्परेचर। और ये जो है आपके पास ये इंडोर है या फिर ये रूम टेम्परेचर है। ठीक है जी, उसके बाद बिल्कुल उसी तरह ही फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जो है रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र है, नेगेटिव बैकग्राउंड परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू एवेपोरेटर इज रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ इट्स कोल्ड रीजन, ठीक है, सिंपल जो है यानी कि जितने भी सराउंडिंग के टेम्परेचर का उसके मुताबिक लाजम आती है वैल्यू चेंज हो रही होगी। इसी तरह द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द कंडेंसर इज इंक्रीज रिलेटिव टू टेम्परेचर ऑफ द वार्म रीजन, ठीक है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा डिफरेंस उसमें क्रिएट रखते हैं कि रूम टेम्परेचर, या जब हम कहते हैं कि अब देखो जिस तरह हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ इसकी एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जब गर्मियाँ आती हैं तो आपके पास अगर एक टन का भी या डेढ़ टन का इसकी आप देखते हो कि यार वो अपनी कूलिंग नहीं कर रहा अगर पीक की गर्मी पड़ी, क्यों, क्योंकि आपके पास जो आइडियली हमारे पास जो जो ये डिज़ाइन होते हैं ना एसी, वो डिज़ाइन होते हैं 35 डिग्री पर। हमारे जो नॉर्मल जो गर्मी पड़ती है वो पड़ती है 40, 45, 50 भी चला जाता है कभी कभी, ठीक है, एक आध दिन ही ऐसा नॉर्मली फैसलाबाद में या आप ओवरऑल पंजाब भी कर लो। सो उसमें क्या होगा कि अब देखो 15 डिग्री हायर के लिए वो डिज़ाइन है, तो क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है लाजिम आता है TH की हम बात करें या TH और जो कंडेंसर टेम्परेचर है वो दोनों बिल्कुल पास पास होंगे, तो वो अपनी हीट नहीं गिव अप कर रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर वो हीट गिव अप नहीं कर पा रहा तो आपके पास ये जो अगर ये टेम्परेचर रूम का है, ठीक है, ये लाइन है, तो ये जो गैप है ये मज़ीद कम होगा, ये गैप भी कम होगा, यानी कि जो ये गैप है, तो अगर ये भी लट से यहाँ आ जाएगा तो आपका कूलिंग का इफेक्ट डाउन आ जाएगा, तो ये बेसिकली होता है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है रियल टाइम केसेस में ये भी होता कि जब हम एंट्रोपी जो है बेसिकली अब एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं रहता, तो कह लें कि आपके पास जो एंट्रोपी है उसमें भी आपके पास जो है इसकी एक चेंज आएगा, ठीक है, और आपको जो वर्क इनपुट है पहले वो थोड़ा सा का आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि पहले 1 to 2 शायद जाना पड़ता है, अब आपको 1 to 2 तक जाना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली वर्क टाइम आपके पास इंक्रीज हो रहा होगा।
ठीक है जी। उसके बाद सिंस 421 एंड 10 रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी सेम है, ठीक है, दोनों केसेस में, तो आपके पास जो ओवरऑल जो अगर हम साइकिल की बात करेंगे, जो ये आइडियल केस वाला, ये 2S कह लो कि ये आइडियल वाला था, ठीक है, तो ये बेसिकली लाजमी बात है इसका लेस COP होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के साथ तो वो वर्क डन है। जो 2 वाला केस है उसमें अगर आप देखते हो तो नोट करोगे तो वर्क डन इंक्रीज हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी आपकी बुक की हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपका बुक ये कहती है कि जी जो आपको यहाँ कर्व में प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है 1-2 से लेके ये 3 तक, ये बेसिकली आपके पास जो है ये द प्रोसेस है द रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द एवेपोरेटर। 1-2 जो है बेसिकली वो गेन ऑफ लेटेंट हीट है। बेसिकली लेटेंट हीट गेन का मतलब है कि वो अपनी स्टेट चेंज करे, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात की है, ठीक है। एंड 2-3 रिप्रेजेंटिंग द गेन ऑफ सुपर हीट बिफोर एंट्रेंस टू कंप्रेसर, यानी कि बेसिकली वो सुपर हीट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर कह लो कि 100% वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ये देखो कि इशू हमारे पास ये आ जाता है कि आइडियली ऐसे नहीं होता, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसे हो भी सकते कि हम 100% वेपर ही 100% ही लिक्विड हम वेपर में कन्वर्ट कर लें, और ये मज़ीद कुछ आगे चल के हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस 3-8 है। 3-8 बेसिकली आपके पास जो है अगर आप देखो तो दैट इज़ द वेपर रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू द कंप्रेसर। 3-4 बेसिकली हमारे पास एक थ्रॉटलिंग एक्शन, ठीक है, प्रिंग ज्वेलिंग पासिंग थ्रू सेकेंड वाल्व, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि जी आपके पास सिंपल एक के की साइज का पाइप और बड़े मज़े से जो है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो करे, ऐसे नहीं होता। जब भी आपके पास सक्शन लाइन स्टार्ट होगी, सक्शन लाइन से कंप्रेसर में आएगा तो पाइप साइज चेंज हो रहा है, तो लाजमी बात है आपके पास जो टेम्परेचर और बाकी तमाम पैरामीटर्स हैं ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि 3-4 आपको यहाँ हल्का सा ये डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 4-5 है, ठीक है, 4-5 सिंपल जो है आपके पास कह लें कि अब आपने वहाँ से और फिर से पास ऑन कराते हुए अब कंप्रेसर मेंटर हो गया 5 पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है दूसरी साइड देखो 7-8 जो है वो बेसिकली थ्रॉटलिंग एक्शन है अक्रिंग ड्यूरिंग पैसेज थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। लाजमी बात है कंप्रेसर आपने कर तो दिया, अब कंप्रेसर की वो पूरी, अगर आपने वो HVAC ट्रेनर की वीडियो देखी हो या अगर आपने लाइव भी परफॉर्म किया तो आप देखोगे कि कंप्रेसर से पास ऑन किए तो लाजमी था आगे कॉपर ट्यूब है जिसमें बेसिकली सर्किट में लेके चल रहा है, ठीक है, तो जब उसमें से सर्किटरी में भी पास ऑन होगा तो लाजमी था कुछ वेपर स्ट्राइक करके अपनी हीट गिव अप करेंगे। तो आप देखते हो कि आपके पास ये 7-8 जो है इसके अंदर आपको डाउनवर्ड दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 5-6 जो है वो बेसिकली आइडियल केस में ना तो आइसोट्रॉपिक होता है ना पोलीट्रॉपिक होता है। दही ट्रांसफर इंडिकेटेड बाई 4-5 एंड 6-7 एसेंशियली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। सो बेसिकली ये 4-5 और ये 6-7 बेसिकली कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होगा। उसके बाद प्रोसेस हमारे पास 8-11 है, उसमें 8-9 जो है हमारे पास वो रिमूवल और सुपर हीट है, ठीक है। लाजम बताए यहाँ वो पहले अपनी सुपर हीट गिव अप करेगा, जिस तरह हमने वाटर की बात की तो उसे 105 से 100 पे आना, सो यहाँ वो होगा। फिर 9-10 लाजमी बात है आपके पास जो है रिमूवल ऑफ लेटेंट हीट है या फिर स्टेट चेंज है, यानी कि यहाँ आपके पास वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। उसके बाद 10-11 है आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रिमूवल ऑफ लिक्विड और सब कूलिंग, ठीक है। सो बेसिकली सब कूलिंग वगैरह हो या फिर कह लें कि मज़ीद अगर आपने जो उसको कूल डाउन करना चाहिए स्टेट में। उसके बाद 11-1 है जिसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व से पास ऑन कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ है, ठीक है। सिंपल यहाँ जो भी एंथैल्पी यहाँ होगी 11 पे वही आगे एंथैल्पी 1 पे होगी। यहाँ 100% जो है वो फ्लूइड है, सॉरी वेपर है। यहाँ आपके पास जो है वो 100% लिक्विड है। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक कॉन्सेप्ट, एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस और वन डैट विल हैव ऑन वायर ड्राइंग वायर ड्राइंग थ्रू द सेक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व, नो सुपर हीटिंग, नो गैस लीकेज पास द पिस्टन और वाल्व। देखो आइडियली आपके पास जो भी कंप्रेसर है
अब देखो, अगर आपने आईसी इंजन आपने पढ़ा हो तो उसमें आप देखोगे कि उसमें भी एक बोर्ड की जो है बेसिकली कह लें कि एक हम कहते हैं कि एक टॉप डेड सेंटर, एक बॉटम डेड सेंटर है और एक क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपके पास जो बिल्कुल रूफ टॉप को पिस्टन की जो है ना, आपकी सिलेंडर की उसको टच कर रहा हो आपका पिस्टन, ठीक है। सो कोई ना कोई क्लियरेंस वॉल्यूम ज़रूर होगी। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि आप जो है बिल्कुल ही लॉसेज ही आप रोकें, ऐसे भी नहीं हो सकता। सो उसकी वजह से लाजमी बात है कोई ना कोई आपके पास यहाँ रह जाता है, यानी कि कसर रह जाती है। सो वहाँ जो है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है द रेशो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस टॉन इनटू कंप्रेसर, ठीक है, जो कि बेसिकली आपने एवेपोरेटर के टेम्परेचर प्रेशर पे किया, ठीक है, ऑन ईच स्ट्रोक टू द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास पिस्टन ने कितना मूव किया, यानी कि उसका स्वेप्ट वॉल्यूम कितना था। सो ये बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्लियरनेस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्पेस बिटवीन द एंड ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन व्हेन द लैटर इज इन डेड सेंटर पोजीशन, ठीक है, शोन एज 4-1। यानी कि बेसिकली देखो, मैंने बात की ना कि कोई ना कोई क्लियरेंस रह जाएगी। सो बेसिकली वो जो क्लियरेंस आप कह लो कि वो क्लियरेंस को अगर आप जो है जो टोटल डिस्प्लेसमेंट या उसका वॉल्यूम जब उसे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आएगी। उसके बाद जो है ये कुछ रिलेशन है, ठीक है, सिंपल अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसके लिए, और उसमें जब आप यूज़ करेंगे तो मेरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद जो टोटल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर विच इज़ ऑब्टेंड बाय एक्चुअल लेबोरेटरी मेजरमेंट के, हमारे पास कह लें कि अगर हम आइडियल बात करें कि, और जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो बड़ी कंडीशन स्पेसिफाई होती हैं। अब देखो, जिस तरह आजकल मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं उनमें एक हमने सिंपल रखा हुआ है कि जी वो वाटर रेजिस्टेंट हैं, ठीक है, बट ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ मदर में फेंक दें, बल्कि उसमें भी वहाँ उन्होंने रखा होगा कि जी इतनी हाइट में आप फेंक सकते हैं, इतना जो है कह लें कि वो डेप्थ में जा सकते हो और इतने मिनट के लिए। सो जो टोटल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है बेसिकली इसी तरह ही है कि जो हमने लेबॉरेटरी में हमने मेजरमेंट किए कंप्रेसर की, कि ये कितना लिक्विड जो है रेफ्रिजरेंट सॉरी कंप्रेस कर रहा होगा, ठीक है, और कंडेंसर को प्रोवाइड कर रहा होगा। हाँ, हम समवट इसको प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि अगर जो है हमें सक्शन वाल्व और जो डिस्चार्ज वाल्व है वहाँ हमें बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह नोन हो, और ठीक है, हम अजम्पशन लें कि कोई लीकेज नहीं हो रही पिस्टन में, यानी कि कोई रेफ्रिजरेंट ऐसा नहीं है कि जो लॉसेज हमारे पास ना हो, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी टोटल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो एक हमारे पास कंप्रेसर उसकी क्या होगी। इसको फाइंड आउट करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो तो बेसिकली हम इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम क्या कंप्रेशन रेशो हमारे पास आ रहा है, या फिर हम किस लेवल ऑफ कूलिंग तक हम जा सकते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद या फिर आप ये समझ लो कि ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, सो उसको यूटिलाइज करते हम सुपर हीट वगैरह को भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक यूज हो सकता है। उसके अलावा ये कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है उसमें, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, और ये तमाम फार्मूलाज जो हैं ये हमने अभी न्यूमेरिकल्स में चल के डिस्कस करने हैं। सो आई थिंक वहाँ आपकी बेहतर जो है ये बेस डेवलप हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ तीन न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। ओके, सो तमाम न्यूमेरिकल जो है आपकी जो कोर्स बुक है आर के राज्य की उसमें से लिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 28 टन ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री प्रोड्यूस पर डे इन अमोनिया रेफ्रिजरेटर, द टेम्परेचर रेंज द कंप्रेसर इज फ्रॉम 25 to -15, ठीक है, द वेपर इज डाई सैचुरेटेड एंड द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वैल्यूज यूज, अज्यूमिंग COP ऑफ 62% ऑफ द थ्रेटिकल कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू डाइव द कंप्रेसर लेटेंट हीट ऑफ आई सी 335 kJ। आपको टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, आपको जो है यहाँ से एंट्रोपी गिवन है। सो अब आपने ये फाइंड आउट करना है। सो इसको सिंपल अगर हमने फाइंड आउट करना है, मैं आपको यहाँ हल्का सा बता देता हूँ। देखो, आपको ये जो है आपको कूलिंग कैपेसिटी गिवन है, ठीक है, क्यू, या फिर आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट गिवन है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास कर्व बनती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये बना लेता हूँ, ठीक है,
सो आपको बेसिकली ये जो H1 है और मैं कह देता हूँ ये H2 है, तो आपके पास यहाँ 28 टन गिवन है, 28 को आप जो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वो किलो जॉल्स पर केजी में आ जाएगी, ठीक है, 14,000 से कर दो, यस ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है आपके पास यहाँ देखो H2 - H1 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर भी आपको गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर के अगेंस्ट आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ एंथैल्पी गिवन है, लिक्विड चीज़ है इसकी। सो एक बड़ी सिंपल सी बेसिकली कह लें कि एक एग्जांपल है, और इससे कुछ एग्जांपल जो हैं आप लोगों ने इसको खुद करनी होगी, ठीक है, कुछ एग्जांपल जो है मैं इसके साथ ही कुछ सॉल्व एग्जांपल उनकी मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप कहेंगे उनको एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। ओके सो ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, जिसमें एक एग्जांपल है और कुछ दो चार सैम्पल एग्जांपल जो हैं आपकी बुक से ली गई हैं, ठीक है, और जो कमिंग है जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दो एग्जांपल जिनमें से सॉल्व भी की गई हैं एक्सटेंसिवली इन डिटेल उनको सॉल्व किया। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उनको टेकअप करें, उनको स्टडी करें, और उम्मीद करता हूँ कि उसकी वजह से आप ये बाकी एग्जाम्पल्स भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होती है जस्ट लेट मी नो एंड विल ट्राई टू डिस्कस इट एंड सॉल्व इट आउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।